अगली बड़ी खबर भोपाल की, ओबीसी आरक्षण से जुड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, ओबीसी को 27% आरक्षण का मामला, नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी पंचायत चुनाव पर सुनवाई। सरकार राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की पेश करेगी रिपोर्ट। चुनाव में 35% आरक्षण देने की आयोग ने की है सिफारिश। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें, ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। आयोग की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में 48% ओबीसी मतदाता का दावा, एससी एसटी मतदाता घटाने पर 79% है मध्य प्रदेश में ओबीसी मतदाता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से आ रही है, ओबीसी आरक्षण मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी पंचायत चुनाव पर सुनवाई। सोन सिंह हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता भोपाल से। सुनवाई, आरक्षण एक कैसा मुद्दा है, मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार गर्माता दिखाई देते, और ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जो है सुनवाई होने जा रही है, किस तरह देखा जा रहा है इस पूरे मामले को और क्या अपडेट सामने आ रहा है? जी देखिए, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई चल रही है ओबीसी आरक्षण को लेकर, और सरकार का हमेशा यही कहना है, और कल भी जब नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से बात हुई तो उनका अब यही कहना था कि हम चाहते हैं कि ओबीसी जो आरक्षण है उसको 27% किया जाए, और जो त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं उसमें जो है 27% आरक्षण जो है ओबीसी को मिलना चाहिए। इसके लिए जो आयोग गठित किया था सरकार ने, उसमें जो रिपोर्ट पेश की गई थी, कल जो रिपोर्ट पेश हुई उसमें साफ तौर पे यही कहा गया कि ये जो रिपोर्ट है हम सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे, और इसमें जो है आयोग की अगर रिपोर्ट की बात करें तो इसमें 35% आरक्षण देने की सिफारिश जो है आयोग ने की है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि मध्य प्रदेश में 48% ओबीसी वोटर्स, और साथ में अगर एससी एसटी वोटर्स को घटा दिया जाए तो 79% यानी कि 79% ओबीसी मतदाता है। तो सरकार इसी रिपोर्ट का हवाला जो है को सुप्रीम कोर्ट में देगी, और साथ में कोर्ट से मांग करेगी, क्योंकि अभी ये रिपोर्ट अगर बोले तो अभी भी इस रिपोर्ट पे जो है और आंकड़ों में तो पेश करेगी, साथ में माननीय न्यायालय से ये भी निवेदन करेगी। सुहान, बिल्कुल देखने वाली बात है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या रुख देखने को मिलता है, क्या कुछ इस सुनवाई के बाद निकलकर सामने आता है। फिलहाल तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर, आरक्षण को लेकर एक बार फिर बात सामने आने लगी है, और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर आज सुनवाई है। सरकार राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट पेश करने वाली है। चुनाव में 35% आरक्षण देने की आयोग ने की है सिफारिश।